दोस्तों पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसके विषय में मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं ही हुई है। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मंदिर बनाकर शिवलिंग को स्थापित किया है और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजफुल जानकारी में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों होती है शिवलिंग की पूजा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको यह बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्यों होती है शिवलिंग की पूजा। भारतीय सभ्यताओं के प्राचीन लेखकों एवं स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि आदि काल से ही मनुष्य शिव के लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है सभी देवों में महादेव के लिंग की पूजा क्यों होती है? इस संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं और कथाएं हैं। दोस्तों एक बार शिव को अपना होश नहीं रहा और वे निर्वस्त्र होकर जगह जगह भटकने लगे। इससे ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि उनका लिंग कट कर गिर जाएगा। इसके बाद शिव का लिंग कट कर पाताल में चला गया। उससे निकलने वाली ज्योति से संसार में तबाही मचने लगी। इसके बाद सभी देवतागण देवी पार्वती के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग को धारण कर लिया और दोस्तों देवी पार्वती ने संसार को प्रलय से बचा लिया। जब से शिवलिंग के नीचे पार्वती का भाग विराजमान रहने लगा, ये नियम बनाया गया कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा होगी। दोस्तों इस प्रकार की कथाएं कई पुराणों में मिलती हैं। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का जो तथ्य मिलता है वो तथ्य इस कथा से अलग है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और पर ब्रह्मा कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा है। इसी के प्रतीक आत्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच के विवाद को लेकर दिव्य लिंग प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के पर ब्रह्म रूप का ज्ञात हुआ। इसी समय से शिव के पर ब्रह्म मानते हुए उनके प्रत्येक रूप में शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले हैं। एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया है। ये प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक के पूजक थे। वो मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। तभी से लिंग पूजा की परंपरा चलने लगी। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्राकृतिक पर निर्भर था, इसीलिए वो पशुओं के संरक्षक देवताओं के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सैंधर्व सभ्यता से प्राप्त एक सील पर तीन मुंह वाले पुरुष को दिखाया गया है जिसके आसपास कई पशु है। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। प्रथम देवता होने के कारण ही इन्हें ही सृष्टि का रचेता मान लिया गया और लिंग रूप में इनकी पूजा शुरू हो गई। तो दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से शिवलिंग की पूजा होती है। इस विषय पर आपकी क्या मान्यता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।